मजदूरों से भरा दो ट्रक को पूर्वी दिल्ली की सकरपुर थाना पुलिस ने आईटीओ चुंगी के पास से पकड़ा है। ट्रक से करीब 100 मजदूर परिवार के साथ यूपी के लखनऊ और आजमगढ़ इलाके में जाने के फिराक में थे। पूछताछ में सामने आया है कि ट्रक चालक भारी किराया वसूल कर मजदूरों को घर पहुंचाने का दावा कर उन्हें लेकर निकला था। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला बीती रात का है। सकरपुर थाना अंतर्गत विकास मार्ग पर आईटीओ चुंगी के पास पुलिस की टीम पिकेट लगाकर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक के बाद एक पहुंचे दो ट्रक की जब पुलिस ने तलाशी ली तो ट्रक में भारी तादाद में मजदूर परिवार के साथ बैठे थे। पूछताछ में सामने आया कि सभी मजदूर दिल्ली के अलग अलग इलाके में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए थे। बीती रात सभी कश्मीरी गेट बस अड्डा इस उम्मीद से पहुंचे कि उन्हें घर जाने के लिए बस मिल जाएगा, लेकिन उन्हें बस नहीं मिली। इसी दौरान वहां पहुंचे दो ट्रक ने सभी मजदूरों को बिठा लिया और घर पहुंचाने का वादा कर सभी से 1500-1500 रुपये वसूल कर लिया। गेट से इस ट्रक में कैसे बैठे आप? कहाँ जा रहे थे? कहाँ से बैठे थे आप? कहाँ जा रहे थे? लखनऊ जा रहे थे। अच्छा, ये ट्रक दिया इसने? जी, हमें तो मालूम है, हम तो पीछे थे। अच्छा। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। साथ ही सभी मजदूरों को वापस वहीं भेजा जा रहा है जहां से वो आए थे।